ओके गाइस, तो गाइस इस तरह की डबल रोल एडिटिंग के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने गाइस इस तरह की दो फोटो क्लिक कराए थे, एक ये वाली एंड एक ये वाली। सो गाइस ये दोनों फोटो मैंने सेम बिल्कुल एंगल पे, मतलब कैमरा वहीं पे स्टॉप करके बिल्कुल क्लिक कराई थी। मतलब अगर आप इधर उधर कैमरा हिलाओगे तो आपका जो फ्रेम है वो बिल्कुल हट जाएगा। तो आपको इस तरह की दो फोटो क्लिक करानी, आप मोबाइल से भी करा सकते हो और DSLR से भी क्लिक करा सकते हो। तो अब मैं लेके चलता हूँ इनको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर एंड बताऊंगा मैंने इनको मर्ज कैसे किया था। तो गाइस सबसे पहले मैं पिक्सआर्ट खोलूंगा एंड ओपन करने के बाद गाइस सबसे पहले मैं अपनी वाली फोटो लेऊंगा। ठीक है, तो गाइस मैंने ये वाली फोटो तो ले ली। सो अब मैं लेंगूंगा इसके अंदर अपनी सेकंड फोटो जो कि मैंने क्लिक कराई थी। तो इसके लिए हम चलेंगे ऐड फोटो के अंदर एंड ऐड फोटो पर जाने के बाद गाइस हम करेंगे जुड़वा वाला कमाल। तो सबसे पहले लेते हैं हम अपनी दूसरी फोटो ये वाली एंड इसका साइज गाइस सिंपली से आपको बिल्कुल ऐसे जूम करना है। ठीक है, सो गाइस अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एजेस में चार डॉट दिख रहे होंगे, तो बिल्कुल इनको इस लाइन के लेके जाना है। ये नहीं आप इसको बड़ा कर दो, छोटा वोटा मत करना, बिल्कुल ऐसे मैनेज करना है। ओके, सो इसकी ओपेसिटी हम कम करेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है कि हाँ दोनों मॉडल एक जगह लग सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब गाइस चलूँगा इरेजर टूल पे। तो इरेजर टूल पे जाने के बाद गाइस सिंपली से मेरे को इसका ओपेसिटी कम कर दूंगा ऐसे कुछ एंड हार्डनेस को भी कम। सो अब मैं साइड में मुझे जो जो एरिया इरेज करना है, जहाँ मुझे अपनी दूसरी फोटो चाहिए, मैं वहाँ सिंपली से इस ब्रश को मारूंगा ऐसे करके। तो गाइस देखिए जैसे मैंने इस ब्रश को मारा, आपको दिख रहा होगा जो मेरा दूसरा मॉडल का PNG है वो यहाँ पे मुझे दिखने लगा। तो सिंपली से मैं इसको ऐसे इरेज कर लेता हूँ जूम करके एंड गाइस यहाँ पे देखिए मेरी फोटो हल्की से देखो हिल रखी है। सो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे इरेज करूँगा तो ये बिल्कुल मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो देखिए कुछ इस तरीके से एंड देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी फोटो लग चुकी है। देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बस हल्का सा हमारा फ्रेम मिला हुआ है बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी हम एडिटिंग करेंगे तो पूरा मैनेज हो जाएगा। सो अब हम यहाँ से करते हैं गाइस डन। सो गाइस आप कमेंट करके बताना मुझे इस तरह का, मतलब एक व्लॉग बनाना चाहिए कि मैं इस तरह की फोटो कैसे क्लिक करता हूँ, फोटो शूट कैसे करता हूँ, क्योंकि गाइस मैंने दो व्लॉग बनाए थे, मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, मैंने बीच में व्लॉग रोक दिए थे। तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मुझे दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए अपने फोटो शूट पर, जो भी मैं जाता हूँ पूरा व्लॉग बना बना के डालूंगा। तो ये हमारी फोटो बिल्कुल मर्ज हो चुकी है। सो अब हमारे इसके अंदर बारी आती है कलर ग्रेडिंग करने की। सो गाइस मैंने सोचा था क्यों ना मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन करके बताऊं कि मैंने ये डबल रोल को एडिट करने के बाद इसको जो है इसके अंदर कलर ग्रेडिंग वगैरह कैसे की, तो मैं पूरा भी आपको बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेंस फ्लेयर का PNG मारूंगा। तो इसके लिए हम चलते हैं गाइस जेड फोटो के अंदर एंड डेड फोटो पे जाने के बाद गाइस जरा लेंस फ्लेयर का PNG लेना है एंड इसकी भी डाउन लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो इजिली एंड इसको स्क्रीन कर देना है। ये गाइस इसको स्क्रीन करने के बाद सिंपली यहाँ से कर देना है डन। ओके गाइस, तो हमारा लेंस फ्लेयर का PNG लग चुका, हमारे मॉडल का PNG, देन उसके बाद लेंस फ्लेयर का PNG। सो अब मैं अपने फेस से मारूंगा साइन इफेक्ट, तो उसके लिए ब्राइटनेस को इंक्रीज करूंगा एंड इरेजर टूल पे जाने के बाद पूरा इरेज कर देना एंड फोटो को जूम करूंगा, जहां जहां मुझे नीड है साइन इफेक्ट की वहां मैं इसको मार लेता हूं जल्दी से। ओके गाइस, तो गाइस यहां पे हमारा पूरे फेस पे हमारे साइन इफेक्ट लग चुका है, तो हम यहां से इसको मैनेज कर सकते हैं हमें कितना हमारे फेस पे साइन इफेक्ट चाहिए। तो मैं नॉर्मली इसको रख दूंगा 19 या 17 परफेक्ट है एंड फिर यहां सिंपली डन कर देना है। ओके गाइस, सो गाइस हमारे ये पिक्सआर्ट का हमारा A to Z काम हो चुका है, हमारी फोटो बिल्कुल मर्ज हो चुकी है, हम जुड़वा बन चुके हैं हमारी फोटो के अंदर। ठीक है गाइस, तो अब मैं इसको लेके चलूँ लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर एंड मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या करना है, कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है, जब प्रीसेट वगैरह पेस्ट। ओके गाइस, तो गाइस हमारी फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो चुकी है। सो गाइस अब मैं इसके अंदर कलर ग्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले मैं ऐड करूंगा अपना येलो टोन प्रीसेट। तो मैं चलूंगा ऐड फोटो के अंदर एंड ऐड फोटो पर जाने के बाद मैं ऐड कर लेता हूं अपना येलो टोन का प्रीसेट। सो गाइस ये रहा मेरा प्रीसेट, आपको दिख रहा होगा एंड प्रीसेट के ऊपर गाइस हमेशा रॉ फाइल लिखा हुआ था, जैसे आपको दिख रहा होगा तभी आपकी फाइल ठीक होती है एंड फिर इसको मैं ऐड कर लेता हूँ एंड इस प्रीसेट का डाउनलोड लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ पर जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हमें इस प्रीसेट को ओपन करना है एंड यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी सेटिंग पे क्लिक करना एंड इसके सारी सेटिंग को कॉपी कर लेना, फिर बैक चलेंगे एंड अपनी फोटो को ओपन करना एंड सिंपली अपनी फोटो ओपन के बाद 3 डॉट पे जाना एंड अब आपको सिंपली से एक काम करना है, सेम उसकी तरह आपकी फोटो में कलर ग्रेडिंग हो जाएगी। आपको क्लिक करना है स्पेस सेटिंग में, देखिए एक क्लिक में हमारी फोटो बिल्कुल येलो टोन में हो चुकी है, जैसे गाइस आपको दिख रहा होगा बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, तो काफ़ी मस्त प्रीसेट है ये। सो अब हम थोड़ा बहुत इसके अंदर रिटचिंग कर लेते हैं, तो सबसे पहले फोटो के शार्पनेस को बढ़ा लूँगा, ठीक है, एंड अपने फेस पे हल्का हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारा फेस इसमें डल हो गया। तो गाइस इसके लिए हम चलेंगे सिलेक्टेड टूल पे एंड गाइस जो सिलेक्टेड टूल है उसे लाइटरूम के PM वर्जन में आता है, यानी मॉडर्न वर्जन में, तो उसका लिंक मैंने आपको नीचे प्रोवाइड कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो प्लस पे क्लिक करना है, सर्कल हल्का सा लेना अपने फेस पे ऐसे मारना है, ठीक है, एंड फिर आपको सिंपली से क्या करना है गाइस, इसका यहाँ से ब्राइटनेस इंक्रीज करना है थोड़ी सी
एंड कॉन्ट्रास्ट को उड़ा देना, ब्राइटनेस ज़्यादा इंक्रीज हो गई, कॉन्ट्रास्ट को उड़ा देना ऐसे, परफेक्ट है, एंड डन कर देना। ऐसे हमें गाइस दूसरे वाले फेस पे करूँगा मैं जिस तरीके से, एंड एक्सपोजर हल्का सा बढ़ाऊँगा एंड कॉन्ट्रास्ट को ऐसे बढ़ा देना, परफेक्ट है। एंड जो रोड है इसको मैं थोड़े से डार्क करूँगा, इसलिए दोबारा चलेंगे हम ग्रेडिएंट पे, एंड यहाँ पे जाने के बाद सिंपली से एक्सपोजर ऐसे कम करना है एंड क्लियरिटी को ऐसे बढ़ा दूंगा, परफेक्ट है। सो गाइस देखिए हमारी फोटो पूरी अच्छी तरीके से एडिट हो चुकी है, जैसी गाइस आपको दिख रहा होगा डबल रोल एडिट। तो देखिए हमारी फोटो पहले कुछ इस तरीके से फोटो में बिल्कुल भी क्रिकेटिंग नहीं हो रही थी, तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था फोटो को देखने के बाद, तो लेकिन हमने यहाँ एडिटिंग करी थी, काफी मस्त हमारी येलो टोन लग रही है जो कि काफी बेहतरीन लग रही है। एंड गाइस देख चीज़ इस तरह की जो इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा पिक वायरल होते हैं डबल रोल की, तो आप भी जल्दी से जाओ ट्राई करो डबल रोल की फोटो एडिटिंग। ठीक है, सो अभी मैं इसको यहाँ से फोटो कर देता हूँ सेव एक्सपोर्ट पर जाके HD में। सो गाइस आई होप आपको जो मेरा फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा, एंड अब आपको समझ आ गया होगा जो इंस्टाग्राम पे वायरल होती फोटो ये डबल रोल एडिटिंग कैसे करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। सो गाइस चलते हैं, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट, तो बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, पीस, लव यू ऑल।